बीजीटी न्यूज, सच की तलाश में बढ़ते कदम। हमारी सरकारें बिना भेदभाव किए विकास करती है। अगर ये यूनिवर्सिटी आई है, अगर ये हाईवेज आए हैं, ये रेलवेज आए हैं, अगर सड़कें बन रही हैं, अगर उज्ज्वला योजना में गैस मिल रही है, अगर मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल रहे हैं, अगर आवास मिल रहे हैं, अगर मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, ये जितना कुछ दिया जा रहा है, बताओ क्या इसमें जाति या धर्म देखा जा रहा है? नहीं देखा जा रहा ना। तो हमें भी ये संकल्प लेना है कि बिना कुछ देखे विकास का साथ देना है। बचना है ऐसे प्रत्याशियों से और ऐसी पार्टियों से जिनका वर्णन आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी कर गए, अजहर मसूद के दामाद। हर दो दिन बाद किसी गांव में जाकर दो या तीन या छह मिनट की कोई वीडियो क्लिप बनाकर चला देते हैं, उनका काम ही यह है। और वो ये दर्शाते हैं कि ना जाने वो कितने बड़े दबंग हैं, और वो हर चीज पर कमेंटबाजी करते हैं। भाई मैं तो ना अपना समय ना अपनी जुबान जाया करूं उस पर, और ना ही उसके कमेंट का कोई जवाब देने की आपको जरूरत है। हमें किसी को कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने इस जिले को बार बार सांप्रदायिकता की आग में झोंका है, बार बार लोगों में विभाजन करने का प्रयास किया है, दुकानों में आग लगाई, ऐसी स्थिति पैदा करी कि हमने अपना कार्यकर्ता हरीश कोचर खोया, ऐसा माहौल इस पूरे जनपद में बनाने की कोशिश करी कि एक इतनी गहरी खाई खुद जाए जो कभी भर ना पाए, और माहौल खराब रहे ताकि उनको उनका वोट बैंक मिलता रहे। ऐसी राजनीति चलने वाली नहीं है। अजहर मसूद के दामाद, सुन लो मेरी बात को, ये योगी राज है, ये मोदी राज है, और तुम्हारे ऐसे मंसूबे हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये तुम्हारी जो इधर धमकियां हैं और फिजूल की जो बातें हैं, उनकी ना हम परवाह करते हैं ना कभी करेंगे। कानून के दायरे में रहकर रहना सीख लो, और ये भी जान लो कि इस राज में यदि किसी प्रकार की भी अराजकता फैलाने की कोशिश करी तो फिर ये कानून और ये सरकार आपको बख्शने वाली नहीं है। मैं और भी आपको बातें गिना सकता हूं, और भी चीजें इस चुनाव से संबंधित आपके सामने रख सकता हूं। मुझसे मीडिया वाले कहते हैं, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में, किससे फाइट है आपकी? तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि वो अजहर मसूद का दामाद और गठबंधन वालों के बीच में ही मुकाबला है, दूसरे और तीसरे का। भारतीय जनता पार्टी तो अपना मार्जिन डबल से भी ज्यादा करने वाली है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।